हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ लोकनाथ और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ओडिशा के 10 सबसे अमीर आदमी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ओडिशा के टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में आते हैं कमलजीत सिंह आहलूवालिया। कमलजीत सिंह आहलूवालिया ओडिशा के सबसे अमीर आदमी है, जो कि KJS आहलूवालिया ग्रुप और ओडिशा के माइनिंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष है। कमलजीत सिंह आहलूवालिया के पास सीमेंट, आयरन, कोयला, ग्राफाइट और इस्पात प्रोडक्शन के बारे में 50 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अपने KJS ग्रुप के अधीन KJS सीमेंट, KJS स्टील और पूरे भारत में कई अलग अलग स्थानों पर विभिन्न माइनिंग इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं। कमलजीत सिंह आहलूवालिया एक बिजनेस एक्सपर्ट और गंभीर ज्ञान का अधिकारी है और भारत के व्यापार जगत में अपने आप को एक मिसाल बना दिया है। KJS आहलूवालिया ग्रुप ने शुरुआत में आयरन ओर और मैंगनीज प्रोडक्शन करने के साथ बाद में आयरन एंड स्टील प्लांट, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कमलजीत सिंह आहलूवालिया भारत में सबसे ज़्यादा करदाता में से एक है, जो 2010-11 में देश के इंडिविजुअल कैटेगरी की देश का टॉप टैक्स पेयर थे और 2013-14 में एडवांस टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को 154.5 करोड़ पेमेंट किए थे। उनकी कुल संपत्ति 42.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, यानी 313.82 करोड़ से अधिक है। नंबर 2, इंद्राणी पटनायक। ओडिशा के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति में आते हैं इंद्राणी पटनायक, जो इंद्राणी पटनायक आयरन माइंस और पटनायक मिनरल्स की मालिक है। पटनायक मिनरल्स को मूल रूप से 1955 में स्वर्गीय इंडस्ट्रियलिस्ट बंशीधर पटनायक द्वारा स्थापित किया गया था। पटनायक मिनरल्स मुख्य तौर पर आयरन, मैंगनीज, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट का प्रोडक्शन करता है और हाई क्वालिटी कैलिब्रेटेड आयरन प्रोडक्शन का एक प्रमुख प्रोड्यूसर है। ये कंपनी अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चीन को ही एक्सपोर्ट करता है। पटनायक मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में कम्युनिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट के नाम पर एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें माइनिंग क्षेत्र के विलेजर्स को फ्री में मेडिकल फैसिलिटी प्रदान करने के साथ कंपनी एरिया के बच्चे को छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। इंद्राणी पटनायक 2013-14 के लिए इंडिविजुअल कैटेगरी में राज्य के टॉप टैक्स पेयर थे, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में एडवांस टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को 165 करोड़ पेमेंट किए थे और अनुमानित कुल संपत्ति का मूल्य 45.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, यानी 336.24 करोड़ से अधिक है। नंबर 3, प्रेम पटनायक। प्रेम पटनायक ओडिशा के एक उद्योगपति और व्यापार जगत में एक सम्राट है। वास्तव में वो ओडिशा के सबसे बड़े टैक्स पेयर में से एक है और पूर्वतन ओडिशा के चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय बिजू पटनायक के बड़े बेटे हैं प्रेम पटनायक। प्रेम पटनायक ने पिछले कुछ वर्षों में कई व्यावसायिक इंस्टीट्यूशन स्थापित किए हैं, जिनमें से कुछ इंस्टीट्यूशन पर वो एकमात्र निदेशक है। वर्तमान में वो हरियाणा कोटेड पेपर्स लिमिटेड, HHS इंडिया लिमिटेड, यमुना एंटरप्राइजेस स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ होम और शॉपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। प्रेम पटनायक के अनुमानित कुल संपत्ति के मूल्य 42.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 313.82 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 4, मधुसूदन साहू। मधुसूदन साहू ओडिशा में जन्म एक इंडियन पब्लिक सर्वेंट है। उनको भारत के इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने इंडियन कंपटीशन कमीशन के सदस्य के रूप में भी काम किए हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से इनसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के काम की निगरानी करना है, ताकि दिवालिया व्यावसायिक अनुष्ठान का निष्पक्ष और उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार किया गया है। मधुसूदन साहू के अनुमानिक कुल संपत्ति के मूल्य 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 560 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 5, सूर्यकांत पंडा। ओडिशा के सबसे धनी लोगों की सूची में 5वें में आते हैं सूर्यकांत पंडा, जो इंडियन मेटल एंड फेरो अली लिमिटेड के MD और CEO है। वह अपने भाई बजंत पंडा के साथ ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड के भी मालिक है और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाओं में भी रुचि रखते हैं। सूर्यकांत पंडा सबसे पहले एक खनन उद्योगी थे और इसी वजह से उन्हें ज़्यादातर जाना जाता है। रणनीति में उनका रुचि स्पष्ट रूप से उन्हें व्यापार के मोर्चे पर भारी पड़ रही है, क्योंकि विरोधी दल के राजनेताओं उनके खनन कार्य में बाधा डालते हैं और उनके बिजनेस को छोटा करने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं।
ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें धन की कमी हो। वो इंडियन मेटल एंड फेरो ओली लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के साथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ओरटेल कम्युनिकेशन, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक मेंबर और FICCI ओडिशा स्टेट काउंसिल के चेयरमैन के पद पर है। उनकी वार्षिक सैलरी 16.34 करोड़ है। नंबर 6, दिलीप राय। दिलीप राय ओडिशा के एक उल्लेखनीय भारतीय राजनीतिज्ञ और होटल व्यवसायी है। उन्होंने माइंस यूनियन के लिए एक लॉबिस्ट के रूप में कार्य शुरू किए थे। उन्होंने पहले स्टील, कोल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर के रूप में भी काम किए हैं। वह मेफेयर ग्रुप ऑफ होटल के संस्थापक और अध्यक्ष है, जो काफ़ी हद तक पूर्वी भारत में स्थित है। उन्हें आतिथ्य उद्योग के लिए गंभीर ज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता है, ताकि वह उद्योग में अच्छी तरह से अपने स्थिति को मजबूत किए हैं। और उनके कुल संपत्ति का मूल्य $10 मिलियन यानी 74.72 करोड़ से अधिक है। नंबर 7, प्रदीप्त महांती। प्रदीप्त महांती SNM ग्रुप के चेयरमैन है, जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है, साथ ही कमोडिटी बिजनेस पर रुचि रखते हैं। डॉक्टर प्रदीप्त महांती होम्योपैथिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रशिक्षित डॉक्टर है और CII ओडिशा स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी है। वह भारतीय रीति रिवाज और परंपरा के उल्लेख प्रवर्तक है। प्रदीप्त महांती के कुल संपत्ति के मूल्य $42 मिलियन यानी 313 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 8, अजीत जैन। ओडिशा के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति में से आते हैं अजीत जैन, जिनका जन्म उड़ीसा में हुआ था और वो 30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। वह बर्कशायर हैथवे, जो कि US का मल्टीनेशनल कंपनी है, और अजीत जैन उस कंपनी के वाइस चेयरमैन है। उनका परिवार एक फाइनेंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने IBM के लिए एक सेल्समैन के रूप से काम किए थे। भारत में IBM अपने कंपनी को बंद करने के बाद अजीत जैन अमेरिका चले गए और मैकिन के साथ और फिर बाद में वॉरेन बफेट के साथ काम किए। उनके कुल संपत्ति का मूल्य $2 बिलियन यानी 14,955 करोड़ से अधिक है। नंबर 9, अनुभव महांती। अनुभव महांती एक भारतीय फिल्म सुपरस्टार है, जो अब एक राजनेता में बदल गए हैं। उन्होंने 2004 से आई लव यू फिल्म से फिल्म दुनिया में एंट्री मारी और उन्हें मिली सफलता पर सवार होकर उन्होंने विष्णुप्रिया आर्ट्स एंड ग्राफिक्स नाम से अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किए। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट फिल्म समथिंग समथिंग, जिसका निर्माण साल 2012 में किया गया था। वह फिल्म ओडिशा और बेंगलुरु के सिनेमाघरों में रिकॉर्ड समय 115 दिन तक चली, जो अब तक एकमात्र फिल्म के रूप में रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह फिल्म वर्ष 2012 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी और उस अचीवमेंट ने उनको ओडिशा का एक सुपरस्टार बना दिया। 2013 में वो रीजनल पार्टी BJD में शामिल हो गए और वर्ष 2014 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्हें केंद्रापड़ा से सांसद सदस्य के रूप में चुना गया, जिसने मौजूदा सांसद को रिकॉर्ड वोट से हरा दिया। अनुभव महांती अभी ओडिशा के फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महंगे अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके कुल संपत्ति का मूल्य $11 मिलियन यानी 82 करोड़ से ज़्यादा है। नंबर 10, विजय महापात्र। ओडिशा के सबसे धनी लोगों की सूची में 10वें स्थान पर आते हैं विजय महापात्र, जो कि ओडिशा के एक राजनेता और लोकसेवक है। वह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख व्यक्तित्व है और उन्होंने 1990 से 1995 तक ओडिशा के इरिगेशन मिनिस्टर के रूप में कार्य किए थे। कहा जाता है कि वह बिजू पटनायक के मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली मंत्री रहे। उन्होंने ओडिशा के केंद्रापड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 बार विधानसभा पर निर्वाचित हुए थे। राजनैतिक मामले पर उनको दिल्ली के ओडिशा निवास पर व्यापक रूप से परामर्श किया जाता है। उनके कुल संपत्ति के मूल्य $5 मिलियन यानी 37 करोड़ से ज्यादा है। तो ये थे फ्रेंड्स ओडिशा के टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ओडिशा का अननोन फैक्ट को आप पता कर सके। थैंक यू, नमस्कार, जय जगन्नाथ।